हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ अवेयरनेस बाय शुभांगी वर्मा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जिनके भी पेट में कुछ भी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, कॉन्स्टिपेशन है, जिनके पेट में दर्द रहता है, जी मचलाता है, खट्टी टकारें आती हैं, बहुत सारी ऐसी पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, उसका एक छोटा सा सोल्यूशन, छोटा सा समाधान लेके मैं आज आपके सामने आई हूँ फ्रेंड्स। सच में बहुत छोटा सा समाधान है, बहुत छोटा सा उपचार है जिसको करने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं क्या है वो उपचार, क्या है वो सोल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, ये है छोटा सा सोल्यूशन। यहाँ पे मेरे पास है अजवाइन, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मेरे पास है आधा चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच नमक, काला नमक है फ्रेंड्स ये, और यहाँ पर मेरे पास है आधा नींबू। तो हमें इसे कैसे लेना है, हमें अजवाइन, काला नमक और आधे नींबू को मिक्स करके एक कटोरी में मिक्स कर लेना है और उसे एक गिलास गर्म पानी के साथ, वॉर्म वाटर ले सकते हैं फ्रेंड्स आप, वॉर्म वाटर के साथ आपको सुबह खाली पेट पीना है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसे दिन में 2 बार करिए, अगर आपको कम प्रॉब्लम है तो आप दिन में इसे 1 बार कर सकते हैं, लेकिन अगर दिन में कर रहे हैं तो सुबह उठते ही इसको करें, और अगर आप रात में करते हैं तो सोने से पहले आप इसे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने खाली कटोरी ले ली है जिसमें ये मैं आपको खाने का तरीका बता रही हूँ, इसे किस तरीके से खाना है। ये आधी चम्मच अजवाइन है, 1/4 चम्मच इसमें काला नमक है, और ये आधा नींबू, नींबू पूरा यूज़ करना है हमें, आधा नींबू हमें पूरा निचोड़ लेना है इसमें। इस तरीके से फ्रेंड्स इसे प्रॉपर मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसे आप इसे एक गिलास गर्म पानी के साथ उठने के तुरंत बाद खाली पेट आप इसे लें, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको उसी दिन बहुत आराम महसूस होगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप इसे हफ्ते भर करके देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप इसको, अगर डेली ये चीज़ करने में आपको दिक्कत आती है तो आप इकट्ठा अजवाइन लेकर, जैसे ये मैंने अजवाइन लिया है, इसमें थोड़ा नींबू की मात्रा कम रखनी है क्योंकि ये लिक्विड ही हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अजवाइन लेनी है हमें, उसमें काला नमक डालना है और नींबू उतनी क्वांटिटी में डालना है जिससे वो नमक सारा अजवाइन पर लग जाए। उसके बाद हमें उसे धूप में सुखा देना है। धूप में सुखाने के बाद उसे हम डेली रूटीन में सुबह और रात, जैसे मैंने बताया आपको, वैसे आप ले सकते हैं, वो भी बहुत बेस्ट रहता है, ठीक है। अगर आप किसी, जैसे आपके, आपका बच्चा दूर रहता है आपसे, तो आप उसे ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके आप अपने पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि हम एक छोटे से घरेलू उपाय से ही अपने घर में आने वाली छोटी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो इस छोटे से उपाय से आप देखिएगा, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आप, जैसा कि मैंने बताया कि आप इसको ड्राई करके भी रख सकते हैं, स्टोर करके एक एयर टाइट कंटेनर में इसे रख सकते हैं, अगर आपका बच्चा आपसे दूर रहता है, ठीक है, तो आप उसे ये बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करने से पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा रेगुलर इसको लेंगे तो वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।